Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series चल रही है उसका next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is, describe the history of plant breeding. History जो है plant breeding की India में उसे थोड़ी सी describe करनी है. Then write the objectives of plant breeding. क्या objectives होती है plant breeding की उसको discuss करना है. And methods of creation of variability for crop improvement. और किन मेथड से हम लोग क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए वेरिएबिलिटी या वेरिएशन जिसे हम लोग करते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर ऑफ यूपीएससी सीएसई 2023 की जो यूपीएससी की एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर थी उसमें ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. और जितनी चीजें हैं चाहे हिस्ट्री हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, वेरिएबिलिटी हो, ये सारे मैंने अपने लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है. यू कैन ऑल्सो रेफर दैट ऑल्सो. अगर आप पूरी कोर्स वहां से आपने की हुई है तो आपको ये थोड़ा आइडिया होगा कि मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है. एंड लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. कैसे हम लोग इस आंसर को अप्रोच करते हैं उसको हम लोग देखते हैं. एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए. बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में दिखेगा. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सो इंडिया में वी ऑल नो की प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री जो है उसको पहले डिस्कस करने में, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया. तो इंडिया से पहले अगर आप जनरली एक मॉडर्न सेंस की बात करें, एक ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो प्लांट ब्रीडिंग को हम लोग चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पहले ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रॉड सेंस में. बस इन ब्रॉड सेंस प्लांट ब्रीडिंग डिवाइडेड इनटू फोर एरास. फर्स्ट इज प्री मेंडेलियन एरा. प्री मेंडेलियन एरा दैट इज कि मेंडल के आने से पहले, दैट इज बिफोर 1900, ठीक है. एक हम लोग मानते हैं अब मेंडेलियन एरा, दो मेंडल वाले एरा था जिसमें कि उनके एक्सपेरिमेंट्स जो उनके थे उनको काफी उस पे काफी चर्चा चली. उनके जो लॉज थे जो उन्होंने पीजन पी सॉरी जो उन्होंने गार्डन पीप एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए जो भी थी चीजें उस पे काफी ज्यादा चर्चा चली. तो वो थी मेंडल की एरा, मेंडेलियन एरा. दैट इज फ्रॉम 1900 टू 1920. देन कम पोस्ट मेंडेलियन एरा. पोस्ट मेंडेलियन एरा दैट इज मेंडल के बाद की एरा. दैट वाज फ्रॉम 1921 टू 1950. ये एरा थी. उसके बाद आया हमारा मॉडर्न एरा. तो अगर जनरली हम बात करें तो इस एरा के जस्ट बाद हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया. ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड डेवलपमेंट. और मॉडर्न एरा जो कि प्रेजेंट एरा चल रहा है इसमें आप चाहे देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से ग्रो कर रहा है. जो हम लोग बात करते हैं जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो वो जो ये सारी चीजें थी आपको इन एरा में देखने को मिलेगा मॉडर्न एरा में. सो दिस इज जनरली हिस्ट्री इन ब्रॉड सेंस, ठीक है. तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो इंडिया से अगर चाहो तो उसको कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप टाइमलाइन बना के भी लिख सकते हो. जैसे कि हमारा इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो 1871 में सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएट किया था. 1905 में एग्रीकल्चर कॉलेजेस सबौर, कानपुर, पुणे, कोयम्बतौर में भी स्टार्ट हुआ था. उसके बाद फिर हमारा 1905 में ही जो पूसा में जो इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो भी नाम था उसका, जो पूसा में हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ 1905 में पूसा में स्टार्ट हुआ. और जो अर्थक्वेक के बाद दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था जो अभी हम IARI के नाम से जानते हैं, दैट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन पूसा बिहार, ठीक है, समस्तीपुर में. तो यहाँ से जैसे ये सारे कॉलेजेस डेवलप हुए तो हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग होनी स्टार्ट हुई. उसके बाद 1921 की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इंडियन कॉटन कमेटी बनी जिसने 17 इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ कॉटन वर डेवलप्ड. फिर 1957 में मेज प्रोजेक्ट था जिसमें कि मेज का डेवलपमेंट करना था बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लोरिंग हेटरोसिस. हेटरोसिस को एक्सप्लोर करके मेज को डेवलप करना था. देन वी हैड फर्स्ट हाइब्रिड मेज रिलीज्ड इन 1961 के अंदर हमारा जो फर्स्ट हाइब्रिड मेज है वो रिलीज हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा वन. This was the first hybrid maize that was released in 1961. फिर सोरघम की जो फर्स्ट हाइब्रिड थी दैट वॉज रिलीज इन 1964 जिसको हम लोग CSH1 बोलते हैं.
देन बाजरा, ठीक है, बाजरा की फर्स्ट हाइब्रिड जिस दैट इज HB1, वो रिलीज हुई 1965 में। 1991 में जो पीजन पी के हाइब्रिड थी, फर्स्ट पीजन पी हाइब्रिड दैट इज ICPH8, ये रिलीज हुई। और उसके बाद धीरे धीरे सारे क्रॉप जैसे कि पर्ल मिलेट हो गया हमारा, स्वर्गम हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, ग्राउंडनट हो गया एक्सेट्रा, ये सब की भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ। ये सब जो क्रॉप्स में मिले इसकी हैदराबाद में डेवलपमेंट हुई थी। ICRISAT, दिस इज लोकेटेड इन हैदराबाद, में काफी डेवलपमेंट वहां पर भी हुआ। तो दिस इज अ टाइमलाइन ऑफ, एक जनरल टाइमलाइन है हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया, कैसे पहले कॉटन डेवलप हुई, मेज आया, फिर मेज का वैरायटी रिलीज हुआ, स्वर्गम, बाजरा, पिजन, फिर ICRISAT हैदराबाद में भी ये सारी चीज, ये सारे क्रॉप्स डेवलप हुए। सो ये थी। और आप चाहो तो इसको दूसरी तरह से लिख सकते हो कि पहले तो एक प्री इंडिपेंडेंस एरा लिख सकते हो, उसमें से आप ये सारी चीजों को लिख सकते हो कैसे कैसे क्रिएट हुआ, फिर स्टार्ट हुए, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जा सकते हो। मैं सेकंड टेक्निक बता रहा हूँ, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आप देख सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मेंशन कर सकते हो, किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस किया गया। फिर मॉडर्न एरा आई जिसमें हमारा की बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया, जैसे GM कॉटन के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो आप ऐसे भी आंसर्स को टाइमलाइन को इनकॉर्पोरेट करके लिख सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप आंसर को अप्रोच करते हो। तो आई होप कि एक क्लियरिटी आपके माइंड में यहां से आ गई होगी टू हाउ टू अप्रोच दिस आंसर। Now going to the second part of the question, that is objectives of plant breeding. Plant breeding की क्या objectives हैं? What are the common major objectives of plant breeding? So first is improving yield and productivity. Obviously हम plant breeding क्यों करते हैं? ताकि हमारा yield increase हो, productivity increase हो, income increase हो, food security हमें मिले, उसी के लिए ना इतनी सारी varieties हम सबने बनाए। तो it is the major disease and pest resistance मिले, environmental stress जो है वो crop उसको adapt कर पाए, टॉक्सिन्स जो कुछ क्रॉप्स में है उसको हम लोग अच्छे से मॉडिफाई करके उस टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर पाए, काफी क्रॉप्स में टॉक्सिन्स को एलिमिनेट किया भी गया है, वैरायटीज को हम लोग डेवलप कर पाए जो न्यू सीजन्स हो गया, फिर ऑफ सीजन्स में भी हम लगा पाए, सो दैट वी कैन एनहांस आवर प्रोडक्टिविटी एंड वी कैन एनहांस आवर यील्ड। सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। आप इसको चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, और थोड़ी सी काफी ऑब्जेक्टिव्स यू ऑन देयर a list of unlimited objectives. तो जो भी आपको अच्छे लगे पांच छह आंसर के हिसाब से लिख देना। नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वेरिएशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग। ऑब्वियसली अगर दो प्लांट्स को आप क्रॉस ब्रीड कराओगे तो उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, दोनों की प्रॉपर्टीज को आपको देखने को मिलेगा। तो वन यू कैन डू दैट म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग से हम लोग ये कर सकते हैं, म्यूटेट कराओगे किसी भी जीन को भी तो उससे होगा। बायोटेक्नोलॉजिकल टूल जैसे CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, जिससे कि जीन को कट किया जा सकता है, जीन में चेंजेस लाए जा सकते हैं। सो इससे भी अगर दो जीन है, कोई ए जीन है, ए बी जीन है, मान लीजिए इसमें भी ए बी जीन है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। अब इसमें मान के उन्होंने सी जीन हटा दी तो इससे ये वेरिएशन देखने को मिला, ए बी सी जीन है, सॉरी कोई एक ए बी, अच्छे समझाता हूँ, कोई एक ए बी सी जीन है, फिर से कोई उसकी जो ऑफ स्प्रिंग है बी सी जीन है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिला। हमने यहाँ पे क्या किया कि सी जीन को हटा दिया, तो ये जीन क्या होगी, ए बी जीन, तो इससे डिफरेंट होगी। फिर हमने इसमें डी जीन को ऐड कर दिया, ए बी डी जीन होगी, तो ये इन दोनों से डिफरेंट होगी। तो ये देखो इस तरह से वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा व्हेन देयर विल बी चेंजेस इन जीन जेनेटिक पैटर्न्स। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग करा सकते हैं हम लोग, जेनोम बिल्डिंग एंड रिडक्शन, जैसे देखो इसमें क्या है, जेनोम रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो जेनोम को ऐड कर दो, ए बी सी है तो इसमें डी ऐड कर दो, ये तो जेनोम को रिड्यूस कर दो, ए बी सी है तो अब बच गई ए बी, तो इससे हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। म्यूटेशन ब्रीडिंग में आप लिख देना कि म्यूटेंट्स का यूज करके, जेंस का यूज करके, नॉट म्यूटेंट्स, तो हम लोग वेरिएबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स में CRISPR-Cas9 के बारे में थोड़ा लिख देना, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग जानते हैं आप लोग, जीनोम बिल्डिंग रिडक्शन जाने, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस ब्रीडिंग जानते हैं आप लोग। तो ये सब बस एक ओवरऑल व्यू मैंने दे दिया कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो इस आंसर्स को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, जो भी चीजें मैंने अभी बताई आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आई होप यू अप्रोच द आंसर। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछे, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करे तो कमेंट करके हमें बताओ कि ये पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।
प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू. एंड इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर आप सबके लिए बना पाएं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.